गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब मतलब क्या होता है आप कुछ मुझे थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें इससे रिलेटेड बताइएगा जरूर मुझे कि क्यूब एक्चुअली होता क्या है। जैसे हमने स्क्वेयर किया था, स्क्वेयर में क्या होता था, किसी भी वैल्यू का उसी वैल्यू में एक बार मल्टीप्लाई स्क्वेयर होता था। और स्क्वेयर रूट क्या होता था, अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसके जो पेयर बनते हैं दो दो के पेयर बनते हैं। ठीक है, और क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को तीन बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लीजिए मुझे 2 का क्यूब निकालना है, तो जैसे मुझे 2 का क्यूब अगर निकालना है मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। 3 का क्यूब निकालना है 3 × 3 × 3 ऐसा नहीं होगा कि 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 20। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से हमको क्यूब निकालने हैं। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.1, 13 का क्यूब निकालिए। तो 13 का क्यूब क्या होगा, 13 × 13 × 13, 13 × 13 = 169 × 13, और 13 का इसमें करेंगे तो 219। ठीक है, करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मेथड से भी आप कर सकते हो, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आपके लिए मैंने बी सी और डी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हम इसके साथ क्या करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 144। जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था वो यहां पर भी वही करना है, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से करते, फिर 2 से, फिर 3 से। क्लियर है? अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना चाहिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जैसे यहां पे देख लीजिए, मुझे 2 × 2 कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब मुझे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे यह देखना पड़ेगा कि मुझे 3 के पेयर बनना चाहिए। क्या यहां पर 2 के 3 के पेयर बन रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन केवल एक पेयर बन रहा है। ठीक है, क्या यहां पर 3 के पेयर बन रहे, नहीं बन रहे, तो क्या करूंगा मैं परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ये 1 2 एक्स्ट्रा बचा है, इस 1 2 में कितने और 2 मिला दूं तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, 2 2 और मिलाने पड़ेंगे, मतलब मुझे 1 2 और दूसरा 2 ये बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर मुझे इसे 3 3 का पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 3 और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे यहां पर 1 3 और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या बढ़ाना पड़ेगा मुझे, 2 × 2 × 3 ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा, ताकि वो 3 3 के पेयर में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब हमें अगर परफेक्ट क्यूब या क्यूब रूट निकालना हो तो वहां पर 3 3 के पेयर में होना चाहिए। यहां पर 4 थे, 2 2 कम थे, यहां पर 1 3 कम था, तो हमने यहां पर बढ़ा दिया 2 × 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, मतलब मुझे इस 144 में अगर मैं एक 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, इससे रिलेटेड जो बी सी डी है क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।